आज ये बेटे गजब हो गया, कहाँ मर गया जे तू? अरे क्या हो गया ताऊ, फिर क्यों चिल्ला रहा? आज ये बेटे सुनीता ने ज्ञान को धोखा दे दिया, अज्जू भाई के साथ सेट होगी, तू वीडियो क्यों नहीं बना रहा? अब ये कब हो गया? रुक जा रुक जा। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। तो देखो लॉन्डो, मुझे लगा दाल में कुछ काला है, लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी दाल ही काली है। साला हम कहाँ सोच रहे थे, ज्ञान लव सुनीता, ज्ञान लव सुनीता, और अज्जू भाई पीछे से आए और सुनीता को ले गए। तो आओ जरा गौर फरमाते हैं इनके ट्रू लव पर। क्या बोलते सुनीता जी, कब करें अपन लोग शादी? रेडी हो आप? भैया सुनीता दीदी की आवाज सुनने के बाद मुझे लगता है कि सुनीता दीदी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। ऐसे थकेली कोशिश करेगा तो क्या होगा? इससे साफ साफ पता लगता है सुनीता का दिल अभी भी ज्ञान के लिए धड़कता है। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि सुनीता जी के घर से कोई उनके मम्मी पापा फोन करके बोले कि दामाद जी कैसे हो, बस इतना। भैया सुनीता दीदी की मरी हुई आवाज सुनने के बाद साफ साफ पता लग रहा है कि इनको ज्ञान भैया का चाहिए। सालो रिश्ते की बात हो रही है, कुछ उल्टा मत समझो, रिश्ता चाहिए ज्ञान भाई का, रिश्ता। अरे रे 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 बाबू, मैं बोल रहा था वहाँ नहीं उतरने का था ना। ओके तुम तो बाबू सोना कुछ बोलो। मैं तो साला अज्जू भाई को शरीफ लौंडा समझता था, लेकिन ये तो प्लेयर निकला। बंदी तैयार हो या ना हो, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, हमको तो बेबी सोना बाबू ही बोलना है। मैं तमिलाई घेरे मैया गच्छू, देखो। सही है सही है, अब तो रिश्ता कंफर्म है गाइस। मैं तो ये सोच रहा हूँ ज्ञान भाई को ये देखने के बाद क्या फील हो रहा होगा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ज्ञान भैया इतना दर्द कैसे सहेंगे, उनका तो हिला हिला के बुरा हाल हो गया होगा। सालो फिर गलत सोच रहे हो तुम, लोटा हिलाने की बात कर रहा हूँ, लोटा। अजय बोलना ठीक है, आदत लगा लेना। क्या आपका ये पहला प्यार है सुनीता जी? हाँ मेरा पहला प्यार है। अच्छा तो ये अगर पहला प्यार है तो ये क्या है? अरे सुनिए गाइए ना, हम समझ जाएंगे। अरे मुझको तो एक ही आते मोती ले माया गच्चू, बस मुझे तो ये आती है। आज से ठीक एक साल पहले सुनीता दीदी को ज्ञान भाई ने प्रपोज किया था, जिसमें सुनीता दीदी का रिप्लाई था यस। देखो बाबू, हम दोनों का कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा है, डायरेक्ट गेम को भुया किया। बस शादी के बाद ऐसा कोऑर्डिनेशन रहे ना तो लड़का लड़की का नाम भी मैंने सोच रखा है। देख रहे हो लौंडे को, लौंडा कतई फॉर्म में आ चुका है। सुहागरात से लेके बच्चों के नाम सब कुछ डिसाइड हो चुके हैं। सुहागरात में क्या सीन होगा, लड़के का नाम क्या होगा, लड़की का नाम क्या होगा, सब कुछ डिसाइड कर चुका है। मैंने तो बहुत आगे तक सोचा है, नुबड़ा नुबड़ी नाम रखेगा, वहाँ तक सोच लिया। पता है सुनीता जी, लड़का होगा तो नुबड़ा, लड़की होगी तो नुबड़ी। एक चीज सोचो, अगर लड़का लड़की का नाम नुबड़ा नुबड़ी हो सकता है तो सुहागरात के दिन AK-47 भी तो चल सकती है, या फिर AWM ही चलाओगे, वो भी डबल। फ्री फायर खेलने की बात कर रहा हूँ, फ्री फायर डबल AWM AK-47 खेलने की बात हो रही है, गलत मत सोचो कुछ। रेडी हो जाओ, नेपाल नेपाल से मेरे जितने भी फैन लोग हैं, देखो गिन चुन के ही फैन लोग हो गए, 10-12 ही मेरे नेपाल में फैन लोग हैं, बट जितने भी फैन लोग हो गाइस रेडी हो जाओ। एक मिनट रुको, गिन चुन के ही फैन लोग हो गए, 10-12 ही मेरे नेपाल में फैन लोग हैं। सुनीता है नेपाल की और फैंस भी कम है नेपाल में, तो अगर सुनीता से शादी किया, सुनीता अंदर नेपाल अंदर, यानी कि फैंस भी अंदर, अच्छा वेंचर। तो बस यार ये थी आज की वीडियो, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, तुम किसकी तरफ से हो, ज्ञान की तरफ से या अज्जू भाई की तरफ से, ये कमेंट में बताना मत भूलना। तो यार अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, जो बेल आइकन है इसको प्रेस करके ऑल पे डाल देना। सो मिलते हैं अगले एपिसोड पे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू, टाटा बाय बाय।